व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अदर रिएक्शन वीडियो। आज हम देखने वाले डेंजरस खिलाड़ी 2 मूवी का 7th पार्ट। इसके बाद दो पार्ट और रह जाएंगे, तो फटाफट से पार्ट 8 नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दो, जल्दी लेके आ दो उस पे भी रिएक्शन। और लास्ट पार्ट में हमने जो देखा था उसमें अल्लू अर्जुन वो था ना, उसका भाई जिंदा था जो वो मेन विलन था, हमें लगा था उसने मार दिया उसके भाई को। हाँ वो जिंदा है, पैसे के पीछे पड़ा हुआ वो अभी भी, प्लस वो साइको भी तो आ गया। उसी लड़के उसने प्रपोज कर दिया अल्लू अर्जुन को, अल्लू अर्जुन को प्रपोज कर दिया लेकिन अल्लू अर्जुन ने मना कर दिया है। हाँ। और वो जो गुरु दक्षिणा देने आया थे फनी कैरेक्टर, वो भी बढ़िया था, उसकी सेटिंग आप कर दी बढ़ा दी। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्रॉम चैनल गोल्ड माइंस साइनप्लेक्स, ऐसी मूवीज आप वहां चेक कर सकते हैं और हमें सजेस्ट करते हैं जिसमें रिएक्ट करना चाहिए। 1 2 3 गो। ओ भाई साहब खतरनाक लोग। अच्छा उसको मारने जा रहे पक्का। हाँ। वो जो हॉस्पिटल में है जो कोमा में। हाँ। लैनिंग। अरे वाह चचा, रुको जरा सबर करो। आवाज देख ये सही रेल बना दी। अरे नहीं जा रहे, निकल लिए। सिक्योरिटी आ गई ना, रुक गया। क्या कहा? मेरे भाई को हॉस्पिटल से किसी ने अगवा करने की कोशिश लेकिन नहीं किया। हाँ। पता नहीं सर, वो जो भी है ये काम उसने पैसों के लिए किया होगा। सर भाई को अगर किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे तो अच्छा होगा। नो उसे वहीं रहने दो, वो दोबारा वहां पर जरूर आएगा। अच्छा, पैसे क्या कमी है, मौज में रहता है तो। साइको पंडित ये जमा। साइको पंडित ये जमा। कला की देवी माँ सरस्वती बचा ले। दुख। गुरु घंटाल। गुरु घंटाल। इससे भी भेजा ठीक नहीं हुआ, अब तो तुम गए। इसके अलग ही वो चल रही है। राग सुना रहा हूँ। अब तो मुझे तुम पर ही राग और द्वेष आ रहा है। साइको सर मैंने कुछ गलत कहा? बाल दे। राग मत दे बजा। बाथरूम बजा दे दो। पहले कोई अच्छी धुन सुना। धुन के चक्कर में थोड़ी और देर हो गई ना, तो धुन कहीं और से बजेगी। मेरा साइको पारा नीचे आएगा। फुर्सत में सोचना पड़ता है, जल्दबाजी में संगीत नहीं बनता। जेट युग में यू नीड टू बी फास्ट मैन। ऐसे ओ भाई साहब। अबे साले सरफिरे, तू मुझे सिखा दे। कलाकार कुछ भी सह सकता है लेकिन कलाकार अपमान नहीं सह सकता। आज के बाद मैं तुझे इस बंद कमरे में कभी नहीं सिखाऊंगा। ओरे धमकी। अब ये कौन? अरे अच्छे दोस्त हैं सारे, कहा था ना दारू पिला, पार्टी चल रही इनकी। मेरे डैडी ने न जाने कितने अमीर से अमीर खानदानों में मेरे लिए लड़के देखे, फिर भी हाँ नहीं कहा। Why? तुम लोग खाने पीने में लगे हो, मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं। ओए संजू, अबे इतनी अच्छी माल को क्यों सता रहा है तू? माल। अरे यार इतनी अच्छी लड़की को क्यों सता रहा है तू? संजू क्यों इतना भाव खा रहा है? मैं इसे चाहता नहीं हूँ। लेकिन मैं तो चाहती हूँ ना। आकांक्षा ये प्यार नहीं ईगो है। प्यार का दूसरा नाम ईगो ही तो है संजू बाबा। क्या चुप, तुम चाहे कितनी भी नफरत करो मैं तो तुम्हें चाहती हूँ। देख लेना नाना करते कब प्यार हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, प्यार ऐसे ही होता है। तुम चाहे जो कहो मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। दोस्त तू मना करते रहे, मुझे लग रहा है वो जिंदा है। सोच ले तेरे सामने मना करते रहे मनाते रहे। फ्लाई खत्म। आकांक्षा जाओ जाकर सलवार सूट पहन कर आओ। ए चुप कर। ओहो हैवी ड्राइवर से कह रहा है जाओ जाकर सलवार सूट पहन लो। दो पैक के बाद तुम्हें मुझ में और कोमल में कोई फर्क नहीं लगेगा। उससे ज्यादा पी लोगे तो नाम भी याद नहीं रहेंगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। टाइम वेस्ट मत करो, पीना शुरू करो। मैं कितना भी पी लूं ना, तुम अलग कोमल अलग। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला। दो पैक पी के अपने प्यार को साबित कर। मेरा मूड नहीं है। पी ली क्या? मैं तो ये सब मस्ती के लिए कर रहा हूँ, गलत मत समझ बैठना। मेरी कोमल जैसी कोई भी नहीं है। फिर क्या ऐसा क्या? ले भाई जा रोमांटिक। अचानक इतनी गर्मी क्यों बढ़ गई? ये एकदम तो अजीब सा, ये बात तो एकदम वैसा दिखाते हैं। मैं तुम्हें पसंद हूँ ना?
मना कर देगा। आई लाइक यू। अरे कह दी। अब भाई ऑनलाइन ये क्या बदतमीजी। दो पैक डाउन। ड्रिंक्स का सर शुरू हो गया है। क्या तुम मुझे रूम तक छोड़ दोगे? मुझे अकेले डर लगता है। इतना भी नहीं करोगे? जानवर घूमते हैं वहां पर। डायनासोर घूम रहे हैं वहां। तुम्हारा उस रूम से रिश्ता भी तो है। पहुंच गए हवेली पर। धड़ मुझे प्यार हो गया है, उसके बिना जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। धीरे धीरे उसने मेरे दिल में जगह बना ली है। अब मैं उसे अपने प्यार की गिरफ्त में ले लूंगी। क्या बात है, क्या बात है भाई। कोमल नाम ले रहा है क्या? कोमल कोमल लगा रखा है। आकांक्षा कहो, आकांक्षा। अगर मेरे मम्मी डैडी को पता चला कि तुम रात को यहाँ आए हो तो मेरी जान चली जाएगी। मम्मी डैडी। अच्छा मुझे लगा क्या फोन पे। आपको कल ही फोन करूंगी। कल एक्टिंग कर रही है। माहौल बना दिया पूरा। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसी के रूम में पूछ रहा था। यो भाई साहब ये गलत हो गया इनके साथ। रो क्यों रही हो तुम? ये क्या? ये नहीं मारी हटी है तुम्हारी। अब अनजान बनने की कोशिश मत करो। रात को इतनी पीली थी कि जबरदस्ती मेरे कमरे में चले आए। नशे में मेरे साथ क्या क्या किया पता है तुम्हें? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई तुम्हारी वजह से। मेरा फायदा खुद पे डाउट हो रहा है। नो। अब ज्यादा नौटंकी मत करो। दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? आकांक्षा मुझे वाकई याद नहीं कल रात पीने के बाद मैंने क्या किया। मैंने तुम्हें कोमल समझा इसलिए ऐसा हुआ। I'm so sorry आकांक्षा। सॉरी बोलने से क्या मेरी इज्जत वापस आ जाएगी? बिल्कुल करें। कल रात मेरे हाथों जो गलती हो गई ना उसे सुधारता हूँ। देखो अब हम वही गलती दोहराएंगे। तुम्हारी मर्जी से। रात को जो अनजाने में हुआ वही अब जान बूझ कर करेंगे। ओके चलो आकांक्षा, घबराती क्यों हो? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। कल रात कुछ नहीं हुआ। जानता था लड़कियां नहीं सुधरेंगी। मेरी इज्जत लूट ली, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इमोशनल ब्लैकमेल करके लड़कों से कितनी बातें मनवाओगी? कभी किसी लड़के ने कहा है हाय मेरी इज्जत? अब मैं क्या करूंगा? इस सब नौटंकी से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। भेजे में बात घुसा लो, मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। चल दिया लड़की। ए संजू, लड़कियों के आगे बड़ी बड़ी सल्तनतें झुक गईं, और अगर मैं चाहूं तो तुम्हें एक दूंगा कान के नीचे। तू कह रहे तो कान के नीचे। कान के नीचे ये कैरेक्टर बढ़िया लगता है। ये विद्यालय यहाँ से धक्का तो नहीं दे देगा? नया विद्यालय। तुम मुझे किस पाप की सजा देने यहाँ लाए हो? ये भाई गिराएगा। यहाँ बीच में खाचा है, वहाँ से नीचे गिरा तो लोचा है। वो अच्छा देखना कितनी आई। ये मारेगा। उसको भेज दिया। इलेक्ट्रिक डांडिया क्यों? अगर आज इलेक्ट्रिक डांडिया तो घुसा दूंगा। कोशिश करता हूँ। डरा रहा है। गो बैक, गो बैक साइमन। गो बैक वही चल रहा है। कहा जंप करने को नहीं कहा तुम्हें, तो पीछे क्यों नहीं जा रहे हो? शॉक लगा दूंगा। गो बैक। चोटी से गिर जाऊंगा तो मेरी माला की एक भी गोटी नहीं बचेगी। अच्छा बेचारा। गुरु आचार्य एक राज की बात बताऊं? बताओ। मैं सुर अच्छा लगाते हो। मैं भरतनाट्यम का बहुत बड़ा फैन हूँ। संगीत के साथ नाच का भी शौक है। और आज आप मुझे 2-in-1 कोचिंग देंगे। 2-in-1 कोचिंग वो भी नाचो तो नाचते भरतनाट्यम भी करता हूँ। साइको ठीक हो जाएगा इससे, मुझे लग रहा है ठीक हो जाएगा, इससे ठीक हो जाएगा। साले साले हटेले ये शायद। हाँ अब अपने गांव वालों को अपना नया अवतार दिखा ना। हे कौन हो तुम? कर दे ठीक। अच्छी कर इलेक्ट्रिशियन हो जो शॉक दे रहे हो।
अब समझा। अरे तुम जैसे पागलों का इलाज म्यूजिक से नहीं होगा, शौक से होगा। कर दिया काम। अरे भैया इलाज कर दिया उसका, सही इलाज कर दिया आखिर। चलो एक ये साइको पागल जो था, पगला जो है, इसका इलाज तो हो गया, लेकिन कहाँ ले, क्या इलाज के लिए? खाई के वहाँ पर भरतनाट्यम का भी वो शौक, क्या मुझे भरतनाट्यम भी। हाँ एक वो ये वाला भी रोमांटिक वाला सीन भी बढ़िया था। हाँ वो समझ गया था कि हाँ एक्टिंग कर रही है। दोस्त कह रहे दो पैक लगा, जानबूझ के दोहराएंगे। दोस्त कह रहा है दो पैक लगा ले अपने प्यार का सबूत दे कि तू कोमल से प्यार करता है, उसके बाद भी तेरे कुछ नहीं होगा। भाई ने लगा ली दो पैक, भाई वहाँ पर बाहर फिर पार्किंग में देखा अल्लू अर्जुन मेरा नाम ले रहा है। ओह माय गॉड, आकांक्षा बोल रहा, आकांक्षा नहीं बोल रहा, आकांक्षा। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, एंड प्लस शी इज अ डिफरेंट कैरेक्टर। जो भी है आकांक्षा तो बोला, अब उसके भाई को बोला अल्लू अर्जुन ने, यस लड़की ने नहीं बोला उसको, उस बंदे को निकालने की कोशिश करी ना कोमल को। लेकिन कितना जिंदा भी हो सकती है, कुछ भी, तभी ये प्यार नहीं कर रहा ना इससे, शायद हो सकता है ऐसा कुछ भी हो सकता है। क्योंकि नहीं तो इंसान के वो ये क्या बोलते हैं, एक जिंदगी में एक बार प्यार नहीं होता, बार बार प्यार होता है इंसान को ऐसे तो। लेकिन ये वाला सीन भी इंटरेस्टिंग था, इसमें ये बढ़िया था। प्लस अभी इंटरेस्टिंग रहेगा कि अब दोबारा उसी हॉस्पिटल में आके उस बंदे को निकालने की कोशिश होगी या नहीं होगी। मेरे को लग रहा है जिंदा नहीं होगी वो, क्योंकि दो पार्ट बच रहे हैं। डिसाइड कर ले होगी नहीं होगी, नहीं खुद ही बना लेते अपनी स्टोरी, लेकिन अगले पार्ट में बता लेगा वो तो। और बाकी अभी तक स्टोरी इंटरेस्टिंग चल रही है, और अभी तक इसका डायरेक्ट उस वाले विलन से वो नहीं हुआ ना, शायद उससे नहीं हुआ डायरेक्ट, फेस टू फेस नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए तो वो है मुजरिम, इसके लिए वो मुजरिम है। अभी पता लगेगा उसके ऊपर भी भाई साहब एक बैठे हैं साफ बन गए, तो लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाकी इसके बाद हमें किस मूवी पे रिएक्ट करने की आप जरूर सजेस्ट करें। अगर आप चाहें तो हम भाग मिल्खा भाग पे भी कर सकते हैं, पद्मावत मूवी पे भी कर सकते हैं, पद्मावत भूल भुलैया हो गई, या फिर गरम मसाला, या फिर बहुत मूवीज हैं आप सजेस्ट कर सकते हो। और उसकी पुलिस वाला गुंडा 2 की भी बहुत डिमांड है, थलपति विजय सर की। बाकी सजेस्ट करना ना भूलें, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक, और हम रात को 9:30 बजे लाइव स्ट्रीम करते हैं गेम्स के, तो आ जाए करो दोस्तों यार। संडे नहीं करते, बस संडे छुट्टी रहती है। बाय, टेक केयर।